नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम टोमेटो मिलेट उपमा बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ फॉक्सटेल मिलेट फ्लेक्स, रोस्टेड मूंगफली, काजू, टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, करी पत्ता, इन सब को भी मैंने काट लिया है, सरसों, मूंग की दाल, हल्दी पाउडर, नमक और तेल लिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इसमें काजू डालेंगे और इसे भूनेंगे। काजू भुन गया है, इसे अब हम निकाल लेंगे। इसमें 1 चम्मच सरसों और 2 चम्मच मूंग की दाल डालेंगे। इसमें करी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। प्याज हल्का गोल्डन कलर का हो गया है। इसमें टमाटर, हल्दी पाउडर और टमाटर गलने के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। टमाटर गल गया है, इसमें मिलेट फ्लेक्स डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक मैंने पहले भी डाला है, इसलिए इस समय हम नमक थोड़ा सा ही डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे। यह बन गया है, अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। इस पे फ्राई काजू, रोस्टेड मूंगफली और धनिया पत्ता डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। चलिए इसे सर्व करते हैं। टोमेटो मिलेट उपमा तैयार है। धन्यवाद।